जी माँ बाप बच्चे के दाढ़ी के ऊपर एतराज करें, एक बात याद रखो, दाढ़ी न रखना गुनाह है, बार बार दाढ़ी मुंडाना गुनाह है, कबीरा है, आदमी फासे को फाजिर हो जाता है। फासिक का माना हद से निकलने वाला, और फाजिर यानी अपने उस गुनाह को सारी दुनिया के सामने क्लीन शेव रह के बड़ा फखर करता है। लेकिन गुनाहगार होता है, काफिर नहीं होता। लेकिन अगर कोई आदमी दाढ़ी पे एतराज करे कि मुझे दाढ़ी बुरी लगती है, या बीवी एतराज करे तेरी दाढ़ी मुझे बड़ी गंदी लगती है, वो काफिर हो जाती है, निकाह भी उसी वक्त टूट गया। अब उसको छुट्टी दो, वो जाके कोई क्लीन शेव ढूंढे और तुम कोई मुसलमान लड़की तलाश करो। एतराज और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा पर। दाढ़ी तो बड़ी चीज है, और उलमाए देवबंद ने लिखा है मदीने की खज्जी को कोई खजड़ी कह दे तब भी काफिर हो जाता कि उसने तौहीन की है मोहम्मद मुस्तफा के शहर। दाढ़ी को तुमने को मजाक समझा हुआ है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, बीवी को राजी करो या मोहम्मद मुस्तफा को राजी करो। बात बड़ी खतरे की है। हजूर के सामने एक आदमी आया, उसकी दाढ़ी मुंडी हुई थी, मूछें बड़ी बड़ी थी, हजूर ने मुंह फेर दिया। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि शायद शफात के वक्त भी हजूर मुंह न फेर ले, फिर हम कहां जाएंगे।